नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? धनवीर सिंह, गांव बिहाली, तहसील अटेली, जिला महेंद्रगढ़। धनवीर जी आप क्या काम करते हैं? जी मैं आर्किटेक्ट का काम करता हूँ, नक्शे बनाने का। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 13 फरवरी 2006 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएँ करते थे? जी सात पिड्डी से गुग्गा जी महाराज की मान्यता थी और हनुमान जी का परम भगत था और अन्य भी जो बार त्योहार दही देवताओं की पूजा पाठ होती थी वो करता था जी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि 1.5 महीने पहले मेरे को कबीर परमात्मा दिखाई देने लग गए थे। उसके बाद एक संत रामपाल दास जी महाराज का भगत है, उनसे नाम उपदेश ले रखा था, वो मेरे को मिला और उनके साथ फिर हम करोथा आश्रम जा करके संत रामपाल दास जी महाराज से नाम दीक्षा ली जी। सर बहुत सारे श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आपको भी कुछ लाभ मिले? प्रथम लाभ तो आत्मिक शांति मिली। उसके बाद मेरे 2 लड़कियां थी, वो बीमार वगैरह रहती थी तो हफ्ते के अंदर 500-700 रुपये वो लगाती थी। डॉक्टरों के पास भी जाता था मैं, एक ठीक होगी दूसरी फिर बीमार होगी, तो ऐसे हफ्ते में 500-700 रुपये वो लगाती रहती थी। संत रामपाल दास जी महाराज की दया हुई, उन लड़कियों को भी नाम दीक्षा दिला दी तो आज वे एकदम स्वस्थ हैं और आज वो 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं जी। और सबसे बड़ा लाभ हुआ जी, जो आर्थिक जो तंगी थी घर के अंदर वो भी मेरी एकदम से दूर हो गई और दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दी गुरुजी ने, और मेरे को सत ज्ञान दिया, सत भक्ति दी, सत मंत्र दिए और पक्का कॉन्फिडेंस करवा दिया कि ये सत भक्ति है और इसे गारंटीड मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। और जो मेरे एक हर्निया का रोग था, भयंकर रोग था हर्निया का, वो ऑटोमेटिक संत रामपाल दास जी महाराज को बताया, वो ऑटोमेटिक एकदम से छुमंतर हो गया जी, संत रामपाल दास जी महाराज जी की दया से। और जी मैं एक दफ़ा पेड़ के नीचे से जा रहा था, पेड़ का डाला टूट करके गिरा तो मालिक ने ही, संत रामपाल दास जी महाराज ने ही बचाया उस डाले से। और जो हमारे जो बच्ची थी उसने नाम नहीं ले रखा था जिस समय, तो वो भैंस के नीचे आ गई थी, उसके पैर के लगी थी, तो मैं शाम को आया बोले भैंस के नीचे आ गई, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पूर्ण परमात्मा संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में हैं, उसके कुछ नहीं होगा। मैंने थोड़ा तेल लगाया, वो चलने लग गई और वो ठीक हो गई एकदम, कोई दवाई मोली डॉक्टर के पास जाने का नहीं हुआ। और एक दफ़ा एक लड़की मोटरसाइकिल के नीचे आ गई थी, उसके खरोच तक भी नहीं आई, संत रामपाल दास जी महाराज की दया से, संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से मैं और मेरा परिवार सारा आज एकदम सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं बीड़ी सिगरेट मांस तम्बाकू अन्य व्यसन भी करता था, ये चीज़ छूट भी नहीं रही थी, मैं जैसे 1-2 दिन छोड़ भी देता था, मेरे को मालूम था कि खराब है ये, लेकिन ये जैसे मेरे से नहीं छूट रही थी। संत रामपाल दास जी महाराज ने मेरे को प्रथम मंत्र दिया और 13 फरवरी 2006 के बाद में आज तक मैंने हाथ तक भी नहीं लगाया है। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति साधना देते हैं जो लोगों के नशे बीमारियां लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं? संत रामपाल दास जी महाराज वो भक्ति बताते हैं जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, जो कबीर देव बताया है, 4 वेद विद गीता जी और सतग्रंथ और जितने जो संत प्रमाणित हुए उनकी वाणी में जो उच्चारित हैं नाम, वे बताए हमको प्रमाणित दिखाए, गीता और पवित्र बाइबल कुरान हर चीज़ का प्रमाण दिया संत रामपाल दास जी महाराज ने। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी जो भक्तात्माएं जो दर्शक मेरे को देख रहे हैं उन्हीं को सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति जो झूठी साधनाएं कर रहा था, श्री हनुमान जी और श्री गुग्गा जी की जो साधना कर रहा था, जो वेद और गीता के अंदर कोई प्रमाण नहीं है उनका, तो मेरे जैसे भ्रमित मत ना हो। संत रामपाल दास जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उनसे सत भक्ति लेकर के सत ज्ञान प्राप्त करके और सतलोक जाया जा सकता है, अन्यथा कोई भी इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है और संत रामपाल दास जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, जो वेद सदग्रंथों के अनुकूल जो हमें मंत्र बताए, वे मंत्रों का प्रमाण दिया गीता जी अध्याय नंबर
17 का श्लोक 23 में कि अर्जुन ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है, कि तीन विदेशी स्मरण करने का ये फाइनल निर्देश है और संत रामपाल दास जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करवाई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल दास जी महाराज जी से नाम दीक्षा टीवी चैनलों के ऊपर संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग सुने, नीचे पट्टी आती है और पट्टी के ऊपर जो नंबर आते हैं उन नंबरों पर कॉल करना और कॉल करके जो नज़दीकी नामदान सेंटर का आपको नाम बता दिया जाएगा और नामदान सेंटर पर संत रामपाल दास जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब।